मैंने इनको बोला था कि आगे रुक के ना कुछ खाते हैं, बट इनसे सबर नहीं हुआ, बकरी की तरह ना पेड़ पौधा चबा रहे हैं अभी ये। तो ये है जी सबसे पुराना गुरुद्वारा साहब, ठीक है। तो उसकी वो जो आप देख रहे होंगे छोटा सा पिलर बचा है, तो इधर जो है ये नया बना दिया गया है गुरुद्वारा साहब। तो लो जी पाकिस्तान पहुंच गए हैं और ये है पाकिस्तान के नज़ारे देखिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? तो मैं भी आपकी दुआ से बहुत अच्छा हूं। तो मैं हो चुका हूं रेडी, देखिए। और आज है दिन संडे का, तो संडे के मेरे साथ कौन कौन ज्वाइन कर रहे हैं राइड को? तो ये है मेरे साथ एक कुलजीत और एक ये ललित। तो हम तीनों जा रहे हैं, देखिए ये बाइक लगी हुई हमारी। तो हम तीनों जा रहे हैं कहाँ पर? तो एक जगह है, क्योंकि बहुत सारी पंजाब में ना हमने इधर उधर घूम लिए हैं बट गुरुद्वारा कभी नहीं गए हैं। तो आज हम कर रहे हैं गुरुद्वारा कवर। तो किस साइड के गुरुद्वारे जा रहे हैं? तो आप जा रहे हैं, हम तरन तारण, अमृतसर से पहले एक रास्ता मुड़ता है गुरु के जंडियाले, उधर से रोड जाती है। तो मैं रास्ते में सारा आपको बताता जाऊंगा, तो वीडियो एंड तक देखिएगा। अच्छा वीडियो है, मज़ेदार होने वाला है और कुछ ऐतिहासिक वीडियो, तो उसके बारे में थोड़ी बहुत मैं आपको नॉलेज भी दूंगा। तो ठीक है, वीडियो को जल्दी जल्दी करते हैं स्टार्ट और राइड भी करते हैं स्टार्ट। संडे है आज, तो पूरा मज़ा लेते हैं और धूप बहुत ख़तरनाक वाली निकली हुई है, तो बस पहनते हैं हेलमेट जी। तो ये है जी पठानकोट बाईपास से शुरू होने वाली रोड जो कि अमृतसर को जाती है हाईवे। तो अब हाईवे पे हम चल चुके हैं, तो इससे यहाँ से करीब करीब 75-76 किलोमीटर की दूरी पर है तरन तारण। तो रास्ते में देखते हैं जी कहाँ पे ब्रेक मारना है। वैसे तो हम एक बार शायद ब्यास मारेंगे ब्रेक, क्योंकि मेरे साथ जो कुलजीत आया है वो घर से थोड़ा जल्दी निकला था सुबह। उसका जो विलेज है यानी कि गाँव है जो, वो जलंधर से थोड़ा सा दूर है, तो वो सुबह से निकला है, तो उसने कुछ खाया पिया नहीं था, तो ब्रेक मार के ब्रेकफास्ट करेंगे। सो जी अब हम पहुंच चुके हैं करतारपुर। तो ये है करतारपुर का हाईवे, नया बन रहा है, तो टारमेक बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है अभी। और करतारपुर मशहूर है जी, सामने जो आपको दिख रहा होगा एक बिल्डिंग, तो ये है अजायब घर, अजूबा भी कहते हैं इसको। तो ये जो है ना काफ़ी अच्छी चीज़ बना रखी है, जैसे इसमें इतिहास वगैरह कुछ दिखाया हुआ है, एंड जितने भी अजायब घर में अंदर शो वगैरह भी चलते हैं, लेज़र शोज़ वगैरह, ये सारा कुछ। बाकी एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि भाई इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी है adventure.breed के नाम पे, तो उसको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी हमने जल्दी जल्दी से आप सभी का प्यार बटोरनी है और हर चीज़ की इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे भी जल्दी से आ जाती है। सो लो जी गाइस, ये जो आप पुल देख रहे हैं, पहले भी आपने कभी ना कभी मेरी वीडियोज़ में पुल देखा होगा। तो ये पुल कहाँ के है जी? ये है जी ब्यास दरिया। तो इस साइड है ब्यास दरिया, अभी इतना पानी नहीं है इसमें। तो ये है ब्यास दरिया का ब्रिज जो कि काफ़ी पुराना अंग्रेज़ों के टाइम का बना हुआ है। तो हम ना यहाँ पे अभी ब्यास निकल के जंडियाला से थोड़ा सा पीछे सत्संग भवन पड़ता है, तो यहाँ पे 5-7 मिनट के लिए रुके हैं, क्योंकि हमारा ना जो जीत भाई है, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीत भाई आपका सिर पता क्यों दर्द हो रहा है? आप सुबह से कुछ खा के नहीं आए हो, खाली पेट चले हो ना घर से, इसीलिए आपका सिर दर्द हो रहा है। ऐसा ना कि भाई का सिर दर्द हो रहा था, बार बार मेरे को ना इशारा मार रहे थे सिर पे हाथ लगा के हेलमेट पर, तो मैंने इनसे पूछा क्या हुआ, तो कह रहे कि थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है। तो मेरा यही है कि ये खाली पेट आए हैं ना, तो उसके कारण हो रहा होगा। तो आगे चलते हैं, चाय चोई पीते हैं, कुछ खाते हैं, फिर चाय चोई पीते हैं, फिर आपका सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा, फिर चलते हैं आगे। हाँ जी कैसी है राइड? मज़ी आ रही है? मज़ी आ रही, मज़ी। मैंने इनको बोला था कि आगे रुक के ना कुछ खाते हैं, बट इनसे सबर नहीं हुआ, बकरी की तरह ना पेड़ पौधा चबा रहे हैं अभी ये। तो क्या खा रहे हो उससे निकाल निकाल कर? तूतड़ियाँ। तो ये तूत का पेड़ है जी, इसमें ना छोटे छोटे से एक फ्रूट लगते हैं, तो मुझे नहीं पता हिंदी में क्या कहते हैं, बट इसको पंजाबी में तूतड़ियाँ कहते हैं जी। एक तोड़ी है देखो, एक तोड़ो। तो ये होता है जी फ्रूट जो मैं आपको बता रहा था, इसको तूतनियाँ कहते हैं जी, बट ये होता बहुत स्वाद है। कभी मौका लगा ना तो तूत के पेड़ पर जाके ये चीज़ खा के देखिएगा। तो लो जी अटाली चबाल एंड अमृतसर। तो हमने जाना है चबाल पिंड,
चबाल पिंड रह गया यहाँ से सिर्फ 16 किलोमीटर। तो बस यहाँ पे भी दिखा रहा है कि 16-20 मिनट का रास्ता है, तो बस पहुँचने वाले हैं वहाँ पे, पहुँच कर फिर मैं कैमरा करता हूँ ऑन। सो लो जी, हम ना पहुँच गए हैं गुरुद्वारा साहब। तो ऊपर आप देख रहे होंगे कि सामने लिखा हुआ है माझे की लाज माता पाक कौर जी, और गुरुद्वारा जन्म स्थान माता पाक कौर जी पिंड चबाल तरन तारण। तो हम यहाँ पे पहुँच गए हैं, बाइक लगाते हैं अंदर और उसके बाद आपको कराते हैं दर्शन गुरुद्वारा साहिब के, और यहाँ की क्या हिस्ट्री है वो मैं थोड़ी बहुत आपको बता दूंगा, सो डैट कि आपको भी पता हो कि यहाँ पे क्या हुआ था और क्यों संगत यहाँ पे आती है मत्था टेकने के लिए। लो जी, हम पहुँच गए थे यहाँ माता पाक कौर जी के गुरुद्वारा साहब में। तो सामने है गुरुद्वारा साहब, इधर माता पाक कौर जी का, और अगर इधर जाएंगे तो इधर है बीबी वीरो जी का गुरुद्वारा साहब। तो पहले हाथ सुचे करके फिर चलते हैं जी अंदर गुरुद्वारा साहब मत्था टेकते हैं। हाँ जी, चैनल सब्सक्राइब किया साडा, सब्सक्राइबर भी मिल गया सानू इत्थे। चले अंदर, चलो चलो। तो हम पहुंच गए थे गुरुद्वारा साहब के अंदर। तो ये है जी गुरुद्वारा साहब के अंदर से दर्शन कर सकते हैं हम। आप देख रहे होंगे जी ये छोटे छोटे से ईंट जो होते हैं, ये ना पहले इसी ईंटों का ना सब कुछ बनता था। तो ये है गुरुद्वारा माता पाक कौर जी का गुरुद्वारा, जो कि जिसकी नींव जो था 19 जून 1981 में, 81 श्री जो उसके जिन्होंने नींव रखा था ना, उन बाबा जी का नाम था श्रीमान संत बाबा खड़क सिंह जी। तो उन्होंने अमृतसर चबाल पिंड में गाँव में रखा था। तो आइए जी इस पुराने गुरुद्वारा सबके करते हैं अंदर से दर्शन। तो ये है जी सबसे पुराना गुरुद्वारा साहब, ठीक है। तो उसके वो जो आप देख रहे होंगे छोटा सा पिलर बचा है, तो इधर जो है ये नया बना दिया गया है गुरुद्वारा साहब। तो आइए चलते हैं जी गुरुद्वारा साहब के अंदर जो पुराना गुरुद्वारा साहब था। तो यहाँ पे ना लिखा हुआ है माझे की लाज माता पाक कौर जी जन्म स्थान चबाल भोरा साहब। तो ये है जी भोरा साहब, ठीक है, माता पाक कौर जी का। तो नीचे चलते हैं, आपको दिखाते हैं यहाँ पे क्या करते थे। तो यहाँ पे ना ज़्यादातर बैठ के जैसे तपस्या वगैरह करते हैं। चलो जी, अब ना हम चल रहे हैं कि जहाँ पे आनंद कारज मतलब कि शादी हुई थी बीबी वीरो जी का। तो इसका भी जो इतिहास है ना मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ आगे जाके। तो यहाँ पे हमारे एक सिंह साहब हैं जो सारी इतिहास बताएंगे। तो पहले चलते हैं जी अंदर, यहाँ पे कुछ बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन चल रही है एंड सामने है जी माता जी का गुरुद्वारा साहब। तो चलते हैं अंदर जी और करते हैं दर्शन। तो बीबी वीरो जी का गुरुद्वारा साहब आए हैं, तो सामने हमारे ना इतिहास है। तो आप वीडियो को पॉज करके ना एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। तो जो बाकी ना यहाँ पे हमारे जो एक सिंह है वो हमें इसका इतिहास भी बताएंगे। तो चलिए अंदर चलते हैं और मत्था टेकने के बाद करते हैं जी उनसे बात। प्रसाद जी है, हमने करवा लिया प्रसाद। तो अंदर चलते हैं, भोग लगवाते हैं, मत्था टेकते हैं और फिर आपको दर्शन कराते हैं अंदर गुरुद्वारा साहब के। तो ये सामने है जी गुरुद्वारा साहब बीबी वीरो जी का। तो अंदर चलते हैं जी फिर करते हैं दर्शन।
जैसा कि मैंने आपको बताया था ना कि गुरुद्वारा साहब में हमारे एक ग्रंथ सिंह जी है, तो उनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं, जो माता वीरो जी का और माता भागो जी का जितना गुरुद्वारा साहब है तो उनका इतिहास थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। तो बाबा जी हमें बात करेंगे। तो बाबा जी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह। जी वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। बाबा जी, इतिहास आपसे जानना है जी हमने, तो आप पंजाबी में ही बता दीजिए। ठीक है भाई। हाँ जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु रूप साध संगत जी, जिस आपां पावन पवित्र स्थान ते दर्शन कर रहे हाँ, ये पावन पवित्र स्थान है धन धन मीरी पीर दे मालक श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी की सुपुत्री बीबी वीरो जी का आनंद कारज स्थान है, जो कि इत्थे छेवें पातशाह हरगोबिंद साहब महाराज ने अपनी सुपुत्री बीबी वीरो जी का आनंद कारज 27 जेठ जून के महीने के विच कीता सी। भाई साधु राम के नाल मल्ला पिंड तो बरात इत्थे आई सी। जिस वेले आनंद कारज होया, सतगुरु जी महाराज कहिंदे आ वी जिन्हां कारजां दे विच कोई विघन पै जावे, किसी का कारज अड़ जांदा है, ते शरदा नानक अरदास बेनती संगतां करवाउण, संगतां दे कारज रास होणगे। सतगुरु जी महाराज कृपा करे जी। एक दूजी बेनती हो रहा जी, अपार कृपा बहुत ही बख्शिश होई इस स्थान ते। गुर इकबाल सिंह भलाई केंद्र महापुरश इत्थे सेवा कार सेवाले आरंभी है, जो कि सारी सेवा चल रही है। जो भी किसी भैन भाई ने बड़े श्रद्धा न सेवा करनी हो, भाई गुर इकबाल सिंह बाबा जी ने कनेक्ट करके अपना गुरु घर की सेवा वो तो जिन्ना हो सके श्रद्धा न कर सकते हाँ। सतगुरु जी कृपा करे जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। तो ये सामने था जी लंगर हॉल, हमने यहाँ पे लंगर छक लिया है। तो जब हम वहाँ से मत्था टेक कर आए थे ना, तो हमें ना प्रसाद दिया था, तो वो प्रसाद हम यहाँ पे भूल गए थे। तो ये है जी प्रसाद। तो ये गुरुद्वारा साहब है सारा, यहाँ के लंगर हॉल है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे लंगर ना कैसे बनता है। तो लंगर बनता है जी ऐसे, चूल्हे पर सारा काम होता है। तो यहाँ पर अभी देख प्रसाद बन रहा है जी। सो गुरुद्वारा माता भाग कौर जी का गुरुद्वारा साहब है, तो यहाँ का हिस्ट्री रह गई थी थोड़ी सी बताने। तो हमारे साथ जुड़े हैं जी यहाँ के सेवादार, तो उनसे करते हैं बात जी और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं जी हिस्ट्री के बारे में। सुखविंदर सिंह जी हमें बताएंगे जी इतिहास थोड़ा सा माता भाग कौर जी का। वाहिगुरु जी का खालसा, श्री वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, जिहड़ा माता भाग कौर दा इतिहास आ, इन्हां दे जिहड़े वड वडेरे सी, ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਇੱਥੋਂ ਝਬਾਲ ਨਗਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਨਗਾਹ ਚੌਧਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਗੀ ਸਰਵਦਿੰਗਾਂ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਗਾਹ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ, ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ ਭਾਈ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ, ਜਿਹਦੀ ਲੜਕੀ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਆ। ਸਮਾਂ ਪੈਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਸੀਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਰੋਸ ਜਾਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੀਸ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਤੁਰਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪੁੱਤਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ, ਸਮਾਂ ਆਊ ਅਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਵੀਂ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਨੇ ਜਵਾਨੀ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਵੀ ਅਤੇ ਘੋੜ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਮਰਦਾਨੇ ਬਾਣੇ ਦੇ ਖੋਚਾ ਚੰਗੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਵੈਰੂ ਜੀ ਚੌਧਰੀਆਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਢਿੱਲੋਂ ਅਚਬਾਲ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਵੜਾਇਆ 'ਚ ਚੌਧਰੀ ਸੀ ਪੱਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਪਤੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ। ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪੜਦੇ ਢੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। तो मत्था वगैरह टेकने के बाद जी अब हम यहाँ से जा रहे हैं बॉर्डर की तरफ, पाकिस्तान का बॉर्डर जो लगता है, तो वहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर वगैरह देखकर उसके बाद चलेंगे जी झूलने महल।
तो वो कहाँ पे है वो सारा आपको बताएंगे।